प्रोडक्ट है जिसमें अंदर कैसा है कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, मतलब कि 12 साल खाली पे करना और रिटर्न मतलब जो पॉलिसी चलेगी वो 24 साल 12 साल पे करना, बाकी का 12 साल जो रहेगा वो कंपनी पे करती है। तो अपना प्रोडक्ट का नाम जो है वो इनकम एश्योर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 24 ईयर्स का ये पॉलिसी प्लान जो है वो चलती है। अब इसमें क्लाइंट जो है वो 12 ईयर्स पे करता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1,10,000 का, 1,10,000 कस्टमर पे करता है प्रीमियम फॉर 12 ईयर्स के लिए, ये हर साल उसको पे करना होता है। तो 12 साल वो पे करते तो कुल मिला के वो 12 साल में 13 लाख का अमाउंट जो है वो पे करते हैं। और इस 13 लाख पे करने के अगेंस्ट में हम उनको क्या देते हैं, गारंटीड मंथली इनकम देते हैं जो होता है 10,000 रुपीज महीने का, ठीक है। महीने का हम लोग उनको 10,000 दे रहे हैं तो साल का हो जाएगा ये 1.2 लाख, 1,20,000 का उनको ईयरली पे आउट मिल रहा है जो कितने साल मिलेगा उनको, 12 साल तक मिलता रहेगा। 1,20,000 उनको 12 साल मिल रहा है तो कुल मिला के उनको यहाँ पे मिलता है 14,40,000 का अमाउंट उनको मिलता है इन 12 सालों में। और फिर क्या होता है इसमें, आपको जो आप 1,10,000 आप पहले साल में जो पे कर रहे हैं तो पहले साल से आपको इसमें बोनस मिलना चालू हो जाता है जो होता है 44,640 का। आप सोचेंगे कि ये अमाउंट कैसे आता है, ये अमाउंट कैसे आएगा इसमें। अब जैसे टोटल ये इसमें भी जो पे कर रहे हैं मतलब जो 4,40,000 है इसमें हम जो बोनस एनुअली आता है 3.1% का, इसमें आपको CRP मिलता है प्लस टर्मिनल बोनस होता है जो होता है 0.5% का। ये कैलकुलेट होता है 14,40,000 पे। तो जो ये बोनस है ये पहले साल से आपको जमा हो रहा है 44,640 का, जो ओवरऑल पहले साल से 24 साल तक मतलब 24 साल तक आपको ये बोनस मिल रहा है। ये कुल मिला के जो अमाउंट आता है 17 लाख का। तो 12 साल में आपने 13 लाख का अमाउंट दिया और कुल मिला के आपको जो अमाउंट मिलता है 14,40,000 ये और प्लस 17 लाख का, तो ये टोटल अमाउंट जो होता है 21 लाख का ही आपका टोटल ये बेनिफिट आपको मिलता है इस प्लान में, जो एक मंथली इनकम में आता है और एक लमसम अमाउंट आता है 17 लाख का। ठीक है।